हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था PM10 के बारे में, तो आज हम बात करेंगे PM2.5 के बारे में। तो PM2.5 के बारे में हम बात करते हैं, तो हम बताएंगे, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हम इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सैम्पलिंग के लिए। उसके बाद में हम आपको बताएंगे इसमें कैसा फिल्टर लगता है, उस फिल्टर की पोर साइज क्या होती है, और कैसे वर्क करता है, कितने घंटे के लिए लगाते हैं हम, उसमें कितना LPM पे चलाना होता है, ये सारी बातें हम फील्ड में जाके करेंगे। तो चलते हैं फिर फील्ड में और आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि PM2.5 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो उसके लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। PM10 के लिए पहले हमने ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज भी किया था, तो इसका नाम है फाइन पार्टिकुलेट सैम्पलर, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे वर्क करता है इसका। इसको बोलते हैं इनलेट, यहाँ से एयर को सक करता है और इसके अंदर से फिल्टर कैसेट के बाद में बाहर रिलीज कर देता है। यहाँ वाले पार्ट को बोलते हैं विंस इंपैक्टर, और यहाँ पे एक फिल्टर कैसेट लगती है। फिल्टर कैसेट मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी एक कैसेट होती है जिसके अंदर अपन फिल्टर लगाते हैं, और फिल्टर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फिल्टर है तो 47 mm का होता है, और इसकी पोर साइज होती है लेस देन 2.5 माइक्रोन, जो अपने पार्टिकुलेट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर कैसेट लगी होती है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगा रखी है। दूसरी, इसको रोटामीटर बोलते हैं, इसका कांस्टेंट होती है वैल्यू 16.67 LPM पे, और ये टाइमर लगा होता है जिससे अपने को पता चलता है कि इंस्ट्रूमेंट कितनी देर चला है, उसके अकॉर्डिंग की कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाला जाता है, LPM और टाइम को दोनों कैलकुलेट करके। ठीक है, तो इसका फिल्टर का हमारे पास इनिशियल वेट होता है, सैम्पलिंग के बाद में इसका फाइनल वेट करके कैलकुलेशन करके रिजल्ट को निकाल लेते हैं। तो ऐसे PM2.5 की सैम्पलिंग की जाती है, तो हम इसको एक बार चला देते हैं। ये चल गया, तो ये देखो 16.67 LPM पे ये चल रहा है अभी, है ना। अभी हम इसको 24 आवर्स चलाने वाले हैं, उसके बाद में हम इसका रिजल्ट भी निकालेंगे। रिजल्ट हम किसी अलग वीडियो में आपको बताएंगे कैसे। जैसा कि हमने आज आपको बताया PM2.5 के बारे में, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।